वन नाउ लेट्स कंटिन्यू आवर चैप्टर विच इज़ ऑफ क्लास 7 एंड द चैप्टर नंबर इज 19। तो भगवान ने काम लिया जूठी पतले उठाने का और पोछा लगाने का। अब भगवान श्री कृष्ण ने काम ढूंढ लिया अपने लायक की जूठी पतले जो जूठी पलेटें थी उसे उठाने का और वहाँ पर पोछा लगाने का। ज्ञानी तो खा सकते हैं और आशीर्वाद दे सकते हैं, काम नहीं कर सकते। अगर कोई सवेरे उठकर पीस करता है तो वह ज्ञानी नहीं मजदूर कहलाएगा। ज्ञानी को योगी को भी काम नहीं करना चाहिए, बूढ़ों को काम से मुक्त रहना चाहिए। बूढ़ों को काम देना निष्ठुरता होगी कठोरता या निर्दयता। यानी बच्चा बूढ़ा योगी ज्ञानी व्यापारी वकील अध्यापक विद्यार्थी किसी को भी काम नहीं करना चाहिए। जब इतना बेकार वर्ग खड़ा हो जाएगा, मतलब इतने बेकार लोग हो जाएंगे, मतलब कि योगी है ज्ञानी है व्यापारी है वकील है अध्यापक है विद्यार्थी है, अगर ये काम नहीं करेंगे तो इतना बेकार वर्ग खड़ा हो जाएगा तो बेकारी बढ़ेगी, मतलब बेरोजगारी भी बढ़ेगी। अगर ऐसा होता कि जो काम नहीं करता वह खाता भी नहीं तो ठीक था, अगर जो काम नहीं करता तो वह खाता भी ना तो ठीक था, पर वह तो अधिक खाने को मांगता है, क्योंकि जो फ्री रहते हैं सारा दिन काम नहीं करते उन्हें भूख भी ज़्यादा लगती है। ऐसी समाज रचना जहाँ हुई वहाँ मजदूर समझते हैं कि हमें काम करने से छुट्टी मिले तो अच्छा होगा। ऐसा समाज जहाँ मनुष्य लाचारी से काम करता है, लाचारी से मतलब जो काम करने की उसकी इच्छा नहीं होती मजबूरी में वो काम करता है, उसमें कर्मयोगी तो हो ही नहीं सकते। जो काम टालते हैं जो काम नहीं करते उनका जीवन धार्मिक होता ही नहीं। इस कारण अपने समाज में श्रम की प्रतिष्ठा नहीं है, मतलब श्रम को मान सम्मान नहीं दिया जाता। काम न करने का एक कारण यह है कि जो दिमागी काम करते हैं उन्हें दिमागी काम की महत्ता इतनी बढ़ा दी है कि उसे 1,000 रुपये देने को तैयार हो जाएंगे, और श्रम करने वाले को कम से कम जितना दे सकेंगे उतना ही देने की कोशिश करेंगे। अब जो मानसिक कार्य करते हैं उन्हें मतलब जो उनका वेतन है वो भी बढ़ा चढ़ा कर दिया जाता है, लेकिन जो शारीरिक काम करता है उसका वेतन भी जितना हो सके उसे रोक कर दिया जाता है, मतलब उसे पूरा वेतन नहीं मिलता। शारीरिक श्रम की प्रतिष्ठा ना मानो, पर महात्मा गांधी जी तो दिमागी काम करते थे, फिर भी थोड़ा समय निकाल कर दिन में सूत कात ही लेते थे। काम का आदर करना चाहिए, अगर हम काम का आदर नहीं करते तो बड़ा भारी धर्म कार्य खोते हैं, ऐसा समझना चाहिए। श्रम करने वालों के पास भी दिमाग होता है और दिमागी काम करने वालों को भी भगवान ने हाथ दिए हैं, तो दोनों को काम करना चाहिए, दोनों का सम्मान बढ़ेगा प्रतिष्ठा बढ़ेगी, मतलब एक तो मान सम्मान बढ़ेगा उसकी इज्जत भी बढ़ेगी। दिमागी काम और श्रम के मूल्य में अंतर है, यह ठीक नहीं। श्रम को प्रतिष्ठा कायम करनी है तो कीमत में अधिक अंतर नहीं होना चाहिए। शारीरिक श्रम करने वाले को हम नीचा मानते हैं, सफाई कर्मचारी को अगर एक दिन की भी छुट्टी दे तो सारा शहर गंदा हो जाए, तो इतना परोपकारी है उसे हम नीचा समझते हैं। अगर मान लीजिए कि आपके घर में काम करने वाली जो औरत है या जो आपके घर में साफ सफाई का काम करती है, अगर वो भी नहीं आती तो हमारा घर पूरा का पूरा गंदा हो जाता है, लेकिन फिर भी हम उसकी उपेक्षा करते हैं, उसका तिरस्कार करते हैं, उसे हम नीचा समझते हैं, ना उसे आदर देते हैं, ना प्रतिष्ठा ना सम्मान, यह ठीक बात नहीं है। अगर हमारे घर में काम करने वाले सेवक या सेविका एक दिन भी अनुपस्थित रहें तो अगर वो गैर हाजिर रहें तो हम पर क्या बीतती है इसका अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है। हमें यह बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, कभी कभी तो हम उन पर अत्यधिक क्रोध कर बैठते हैं, क्योंकि अगर वो 2 दिन नहीं आती तो हमें उस पर बहुत गुस्सा आ जाता है कि वो काम हमें करना पड़ता है। वास्तव में शारीरिक श्रम की महत्ता तभी हमारी समझ में आती है। इसलिए 2 बातें होनी चाहिए। पहली, ये हर एक को थोड़ा थोड़ा श्रम करना चाहिए, थोड़ा थोड़ा श्रम मतलब थोड़ी थोड़ी मेहनत करनी चाहिए। अगर हम बिना काम किए खाते हैं तो हमारा जीवन पापी बनता है। दूसरी, सभी कामों का मूल्य समान होना चाहिए,
जब यह होगा तभी श्रम की प्रतिष्ठा बढ़ेगी। अगर मानसिक कार्य करने वाले को दिन एक दिन में 1,000 रुपये मिलते हैं तो शारीरिक कार्य करने वाले को क्यों नहीं मिलते। इसलिए दोनों में कोई अंतर नहीं होना चाहिए, समान वेतन मिलना चाहिए, तो दोनों की जो है वो प्रतिष्ठा बढ़ेगी। धन्यवाद।